हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय YouTube चैनल स्मार्ट इंफ्यूज सेंटर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ECG, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं ECG के बारे में। इसके पीछे वाले वीडियो में हम बात किए हैं वेंस के बारे में, उससे पहले हम बात किए थे आर्टरी के बारे में, यानी आर्टरी, वेंस और हार्ट के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज के जो हम लोग का टॉपिक है ECG, उसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ECG उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ECG की हम बात करते हैं। ECG क्या होता है, ECG की खोज किसने की, ECG नाम की बला है क्या, ECG का यूज हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है कब करते हैं। तो देखिए ECG क्या है, एक तरह से हम कहें तो एक टेक्निक है। कैसी टेक्निक है, हमारे हार्ट की एक्टिविटी को नापने की टेक्निक है। क्या है, हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है, हार्ट की जो गतिविधि है, उस गतिविधि को नापने की क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीका है। ठीक है, यानी ECG के द्वारा हम अपने हार्ट की गति को नापते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपर कंटिन्यू तरीके से एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ECG का यूज जब हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तब हम ECG का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यानी हमारे हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है, उस बीमारी का पता लगाने के लिए एक तरह से ECG का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ECG की हम बात करते हैं। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ECG के फुल फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ECG के फुल फॉर्म में बहुत कंफ्यूजन है, इन दोनों में कंफ्यूज आपसे नहीं होना है। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी एक वर्ड है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फिर क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना क्या है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी जब हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या कहते हैं। सिंपल भाषा में हमारे हृदय की गति को रिकॉर्ड करना क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है, ECG का खोज किसने किया, इसके बारे में हमको बताया कौन, हमको नहीं सबको, किसने बताया, तो बताने वाले हैं एंटोन विलियम। क्या है, एंटोन विलियम या फिर इनको हम विलियम एंटोन भी कहते हैं, विलियम एंटोन भी कहते हैं। ठीक है, यानी फादर ऑफ ECG है एंटोन विलियम, इन्होंने ही सबसे पहले ECG की खोज की, ECG के बारे में बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिस पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो हम बता दी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, हार्ट की गति को क्या करना, रिकॉर्ड करना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फिर क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इट इज अ टेक्निक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है, एक तरीका है, क्या करने का, बाय विच, जिसके द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज रिकॉर्डेड, यानी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। सॉरी, देखिए दोनों पढ़ने से लगेगा कि सेम है, जैसे ये भी क्या है, रिकॉर्डेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, रिकॉर्डेड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड ऑफ इलेक्ट्रिकल
एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हॉर्डी रिकॉर्डिंग, ये भी तो ही कह रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। क्या कह रहा है? इट इज ए टेक्निक, यह एक तरीका है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम हार्ट की गति को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिकॉर्ड हुई हार्ट की जो गति रिकॉर्ड हुई उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। समझ में आया? यानी जिस टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की, वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। और उस टेक्निक के बाद मतलब उसका यूज करके जो हमने रिपोर्ट बनाया वो रिपोर्ट क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। समझ में आया? आपसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी इस टेक्निक का यूज करके हम जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का रिकॉर्ड करते हैं वो किस पे करते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में तो एक मशीन होती है, मशीन में कई सारे लीड होते हैं जो हमारे चेस्ट पे और हमारे लिम्ब्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका जो हम एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं जिस पेपर पे उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऐसा ही पेपर होता है जिसे हम ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो देखिए इसमें तीन वर्ड है, इलेक्ट्रोमीस इलेक्ट्रिकल, कार्डियोमीस यहां पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल कार्डियोमीस हार्ट, और ग्राफी मतलब ग्राफ, ग्राफी मतलब ग्राफ, यानी हार्ट का क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्राफ है, यानी जिसमें हम हार्ट की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं उस पेपर का क्या नाम है, उसे हम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। उस ग्राफ में एक बड़ा सा बॉक्स बना होता है और उस बड़े से बॉक्स में 25 छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, 25 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है। आपको एकदम हम सिंपल भाषा में आसान भाषा में समझाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। यदि आपने इसको जान लिया तो हम पक्का कहते हैं कि आप ईसीजी का रिपोर्ट पढ़ना भी एकदम अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ईसीजी का एक मतलब ईसीजी का जो ग्राफ होता है उसका जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर में से हमने उसका एक बॉक्स लिया है, उसका एक बॉक्स लिया है। आपको हम दिखा दे रहे हैं कि ईसीजी का ग्राफ कैसा होता है। देखिए ये क्या है, ईसीजी का ग्राफ पेपर है और इस पे ईसीजी का रिपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। ये ईसीजी का एक एबनॉर्मल रिपोर्ट है, अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें 25 ठो बड़े बड़े कॉलम होंगे, 25 नहीं देखिए ये मान लीजिए इस पे हम कुछ खांचेंगे नहीं, ठीक है। देखिए ये एक कॉलम है, इसमें बहुत छोटा छोटा कॉलम आपको दिखेगा, यहाँ ध्यान से देखिए लाइन गाढ़ा की गई होगी, यानी गाढ़ी लाइन में एक बड़ा सा बॉक्स होगा और उस बड़े से बॉक्स में क्या होंगे, छोटे छोटे फिर छोटे बॉक्स होंगे ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ पूरा देख लीजिए आपने, इस पे क्या किया गया है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया है, हार्ट की जो गतिविधि है उस गतिविधि को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी ग्राफ पे हार्ट की गतिविधि को हम रिकॉर्ड करते हैं किसके द्वारा, ईसीजी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमने उस बॉक्स में से एक बॉक्स लिया है, सपोज मान लीजिए यदि हम उसको बनाए तो कैसा बनेगा, देखिए ये मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, इसमें छोटे छोटे बॉक्स हैं ये, ठीक है, ये हम बॉक्स बना रहे हैं। इस बॉक्स में ये एक बॉक्स हुआ ऐसे, ठीक है। इस बॉक्स में छोटे छोटे 25 बॉक्स होंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस एक यानी इस पूरे बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होंगे, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे ज्यादा काम लीजिए। इसमें से हमने क्या किया है, एक बॉक्स को लिया है, क्या किया है, इसमें से कोई एक बॉक्स हमने लिया है, ये एक बॉक्स को यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब इस एक बॉक्स में हमने कहा कि 25 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं,
ठीक है, यानी इसमें पांच रो होता है, पांच कॉलम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें वाई एक्सिस होता है, यानी एक वाई एक्स होता है और एक एक्स एक्स होता है। ऊपर वाला ये जो होता है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है? तो देखिए जो एक्स एक्सिस है वो किसको शो करता है, वो टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम को बताता है। यानी ये जो एक्स एक्सिस है ये किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को बता रहा है कि हमारा जो हार्ट की एक्टिविटी है उसकी एक्टिविटी को होने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे हमारी हार्ट की एक बीट आती है, एक बीट आने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इस 0.1 सेकंड में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंडेक्स करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इसी को हम इस पे डिनोट करते हैं हमने, हालांकि मशीन द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस किसको डिनोट करता है? टाइम को, समय को। जो वाई एक्सिस है वो किसको शो करता है? एम्पलीट्यूड को, यानी कितना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मींस क्या होता है? आयाम होता है, एक तरह से कहें तो माप होता है, परिणाम होता है। ठीक है, यानी सपोज मान लीजिए आपने देखा होगा ऐसा, ईसीजी के रिपोर्ट में ऐसा ही बना होता है। ठीक है, ऐसी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा ईसीजी का ही, हमारे हार्ट का एक्टिविटी है। ये क्या है, हमारे हार्ट का एक्टिविटी है, इसी को हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं कि ये हमारा जो हार्ट की गलती स्टार्ट हुई है उसको, मान लीजिए यहाँ से आने पे हार्ट हमारा घर का, फिर इसको यहाँ आने में मतलब कितना समय लग रहा है, ये सब कुछ हम बता चुके हैं कि हमारा एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगता है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगता है, रिलैक्स होने में उसे कितना समय लगता है, उसी को हम देखते हैं। हार्ट का हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी जो हमारी हार्ट बीट आती है कब आई, कब बंद हुई, कब दूसरी हार्ट बीट आई, कब बंद हुई, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं हार्ट के कार्डियक साइकिल वाले टॉपिक में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ये ईसीजी एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको फिर ये चीज नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्ट के हमारे जो वो एक्टिविटी है यानी जो हमारी रेट होती है उन्हीं को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी मान लीजिए हमारा हार्ट का धड़कन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाके खत्म हुआ, फिर कहाँ स्टार्ट हुआ, कितना देर तक रहा, वही सब डिनोट होता है। जैसे मान लीजिए हमारी हार्ट की धड़कन, मतलब अभी धड़का नहीं, यहाँ ऐसे लाइन चली, फिर धड़का, ये उठा, कितना धड़का, जहाँ जहाँ हमारी हार्ट बीट बढ़ी और बढ़ के डाउन होगी वो फिर यहाँ से क्या होगा, नीचे हो जाएगा, फिर हमारी हार्ट बीट रुकी, ये फिर सीधा लाइन हो जाएगी, फिर धड़का, मान लीजिए जितना धड़का उसके हिसाब से ये उतना ऊपर जाएगा, फिर डाउन होगी, नीचे आएगी, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर धड़का, फिर ये ऊपर होगा, यहीं पे आके खत्म हो गया, तो ये फिर इसे बढ़ जाएगा, फिर धड़का, यहाँ से मान लीजिए यहाँ धड़का ही नहीं, धड़का नहीं ऐसे आ, फिर यहाँ पे धड़का। तो ये हमारी हार्ट की क्या करता है, धड़कन को इस पे डिनोट करता है, इसी चीज द्वारा इस पे डिनोट करते हैं। तो ये जब हम को पता रहेगा कि हमारा एट्रिया कितने देर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कितने देर में रिलैक्स हुआ, तभी हम यहाँ पे पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम दे दिया गया है इस एक बॉक्स में पूरा हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगता है, यानी एक बॉक्स में यदि हमारी ये एम्पलीट्यूड जा रही है तो इसको कितना समय लगेगा, 0.4 सेकेंड लगेगा। यानी मान लीजिए यहाँ से हमारी ये एम्पलीट्यूड उठना स्टार्ट हुई और ऐसे उठते हुए ऊपर वाला है, मान लीजिए यहाँ से उठना स्टार्ट हुई और ऐसे उठते हुए यहाँ जाके खत्म होगी, तो पॉइंट मान लीजिए, यानी ये इधर से चलते हुए आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि इसको स्टार्ट होने में यानी ये कितने देर तक रही, तो 0.  इसका वेव कितना है, 1 माइक्रोवोल्ट। यानी इसमें यदि हमारी कोई वेव उठती है तो ये कितना होता है, 1 माइक्रोवोल्ट का होता है, कितना होता है, 1 माइक्रोवोल्ट का होता है। और इसका ये वाला समय इसमें कितना लगा, एक एम्पलीट्यूड को जाने में, तो 0.4 सेकंड लगा। अब आपको वो टॉपिक पढ़ना है कि हाँ हमारी एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगता है, आपको पता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने में इतना समय लगता है, तो देन हमारा नॉर्मल रिपोर्ट यदि ऐसा है तो ईसीजी का रिपोर्ट क्या है,
नॉर्मल है। जो एक बॉक्स होता है हम लोग का, ये एक माइक्रोवोल्ट का होता है, कितना होता है, सॉरी एक एमएम का होता है, यानी इसका ये वाला जो पोर्शन होता है इसकी लंबाई कितनी होगी, एक एमएम, और ये भी कितना होता है, एक एमएम का होता है, ठीक है। हमारे एम्पलीट्यूड को उठने में कितना समय का लगता है, यानी एक एम्पलीट्यूड जब आता है, यानी एक बॉक्स में यहाँ तक मान लीजिए एम्पलीट्यूड चला, तो ये हम कहेंगे कि कितना उठा है, 0.1 माइक्रोवोल्ट, कितना उठा है, 0.1 माइक्रोवोल्ट। और ये उठ के मान लीजिए यहाँ से उठना ये स्टार्ट हुआ है और इतना गया, तो ये यहाँ से उठ के जाने में इसको कितना समय लगेगा, 0.04 सेकेंड लगेगा, कितना समय लगेगा, 0.04 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से फिर सीधा हो गया ऐसे इतना, और फिर यहाँ से ये उठा और उठते हुए ऐसे मान लीजिए यहाँ से उठा, उठते हुए यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा है वो भी हम देखेंगे, कितना एम्पलीट्यूड उठा है ये, यानी कितना एम्पलीट्यूड ये ऊपर गया है और कहाँ से फिर ये डाउन हो गया, मान लीजिए यहाँ से आके ये डाउन हो गया इतना, फिर ये उठा, ये सब फिर ऐसे सीधा चलने लगा, ठीक है, फिर इधर जाके मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस पे हम ईसीजी के ग्राफ पे यही इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं और इसका ये समय देखते हैं कि कितना समय में एम्पलीट्यूड कहाँ से उठ के कहाँ गया, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, यही एम्पलीट्यूड और समय इसका देखते हैं, इससे हमको पता चल जाता है कि ईसीजी का रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको कार्डियक साइकिल वाला पार्ट देखना पड़ेगा, जिसमें हम कार्डियक साइकिल में हार्ट के बारे में, मतलब हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो, और जो कार्डियक साइकिल हार्ट की जो बीट आती है वो सब कुछ बताया है। तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब इसको उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है, तब आपको जाके सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ ईसीजी, यानी ईसीजी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला यूज है इसका हार्ट रेट में, कहाँ करते हैं, हार्ट रेट में, और क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में, और कहाँ होता है यूज इसका, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट, यानी हमारे हार्ट में यदि बहुत बेकार ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कहते तो हमारे हार्ट का ब्लड फ्लो सिस्टम क्या है, खराब चल रहा है, तो उस समय ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई है, तब हम क्या करते हैं, ईसीजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें जो वेव होती है उस वेव के बारे में, उसके बीच का जो इंटरवल होता है, यानी वो इंटरवल कितने समय का लगता है, जैसे ये है, ये क्या है, इसका इंटरवल है, तो इस इंटरवल को कितना समय लगता है, यानी नॉर्मल ईसीजी कैसा होता है, एबनॉर्मल ईसीजी कैसा होता है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो, धन्यवाद।